अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम आपके लिए बहुत शानदार सा व्लॉग बनाया है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। और अल्लाह ताला इसी तरह हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अपनी रहमतें बरकतें हम पे नाजिल करें, और हमेशा आप लोग सदा मुस्कुराते रहें और खुश रहें, आबाद रहें जहाँ भी रहें। तो चलिए इसके साथ ही आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। तो अफ्तारी के लिए खरबूजा काटा जा रहा है जी, दोपहर का टाइम है और बासित का रोज़ा नहीं है, इसको भूख लगी हुई है और ये कह रहा है जी मैंने कुछ खाना है। तो इसको ना इसके पापा जो है वो खरबूजा काट के दे रहे हैं ताकि ये खाए। उसके बाद फिर हम लोग छत पे चलेंगे, छत पे जाके ना अपने जानवरों को देखेंगे आज। ये देखें इसको ना भूख लगी है, ये इसके पापा इसको काट के दे रहे हैं खरबूजा, और ये शैतानियाँ कर रहा है बहुत ज़्यादा। देख रहे हैं ये देखें तरीका चेक करें ज़रा इसके खाने का, ये बहुत तंग करता है बहुत ज़्यादा। तो चलिए ऊपर चलते हैं, अब हम छत पे आ गए हम। ये देखें जी हमें ऊपर आके पता चला जी वो हमारे चपड़ चपड़ के दो बच्चे थे ना जो वाइट वाले, वो मर गए हैं बेचारे। ये मुर्गे और मुर्गियों ने उनको मार दिया है चोंचे मार मार के। तो ये जो आपको डस्टबिन नज़र आ रही है ना टोकरी, इसके नीचे आई बकरी के बच्चों को बंद किया हुआ है। अब ये बैठे हुए स्कूल से धूप ले रहे हैं, बकरा भी बंधा हुआ है एक साइड पे। छत पे आए थे इनको खाना डालने के लिए। देखिए अब बेचारे पांच बच्चे थे ना, ये छह बच्चे थे, ये चार रह गए, ये तीन नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी अब हम पार्क में आ गए हैं, आज संडे है तो बच्चे जिद कर रहे थे बाहर आने के लिए, तो हम इनको बाहर ले आए। देखिए अब्दुल बासित झूले ले रहे हैं और अनाया भी इधर ही कहीं होगी, और साथ में फातिमा भी आई है आज हमारे साथ। ये देखिए फातिमा है और अनाया, ये दोनों ना झूले ले रही हैं। अनाया तो बहुत तेज़ ले रही है, फातिमा ज़रा आहिस्ता आहिस्ता ले रही है ताकि गिरना जाए, छोटी है ना अभी। इंजॉय कर रहे हैं बच्चे देखें जी पार्क में। आज वैसे इतना रश नहीं है पार्क में, सुकून है। और वैसे भी आज ईस्टर है, क्रिश्चियंस का ईद है मेरे ख्याल से आज, और रोज़ा है, सबका रोज़ा ना, इसलिए पार्क में रश नहीं है। अब्दुल बासित आ गया झूले देने के लिए फातिमा को, देखें आराम से झूले देना, उसको गिरा ना देना अब्दुल बासित। ये देखें वो उसको कह रही है छोड़ दो, हट नहीं रहा, बाज नहीं आ रहा। ये देखें झूले दे कह रहा है, अभी देखें। चलिए फातिमा उतर गई है साथ में, लगता कोई और बच्ची बैठ गई आगे नाया के साथ। वो दोनों खेलने के लिए चले गए हैं जी इधर दूसरी साइड पे। तो साथ साथ हम आपको पार्क अभी भी दिखाते हैं, बड़े ही खूबसूरत है, मौसमी बहार है तो बड़े खूबसूरत से कलर के फूल लगे हुए हैं यहाँ पे। तो ये जरा झूले ले लिया नाया, तो उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं साइड पे। झूले उतार रहे हैं जिसमें, अब ये सारे हम लोग बाग की तरफ चलते हैं। ये देखिए फिर आ गए हैं दोनों, माशाल्लाह से जो रोज़े हैं ना वो अल्लाह का शुक्र हमने दो शरे कंप्लीट हो गए हैं और बेहतरीन गए हैं। मौसम भी ठंडा रहा, कल भी काफ़ी बारिश हुई है और मौसम काफ़ी ख़राब था, और आज भी धूप ज़रूर निकली है लेकिन ठंडी हवा चल रही है साथ साथ। अब तो बात ही चलो हम लोग जा रहे हैं, उतर जाओ नीचे। अब देखो सोने ला झूले ले रहा है इतने तेज स्विंग के ऊपर, इसको छोड़ जाते हैं ना इधर ही, तो फिर हम लोग चलते हैं लेता रहे अकेले झूले, ये इसको यहीं छोड़ जाते हैं। वो दूसरी स्विंग पे चली गई हैं दोनों, दो लगी हैं एक इस तरफ है, एक वो पीछे आपको नज़र आ रहा होगा बैक साइड पे है वहाँ पे। चलिए पार्क की पार्क का व्यू दिखाते हैं आपको, और ये देखिए पार्क का माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़ारा है। देखिए येलो फूल हैं एक तरफ, ऑरेंज है, रेड है और ग्रीन, अल्लाह ताला की कुदरत देखें कितनी ही माशाल्लाह बेमिसाल है। और तरह तरह के फूल हैं, सब्ज़ा है हर तरफ जो आँखों को अच्छा लगता है। और ये दरमियान में एक फाउंटेन है, यहाँ पे फिलहाल पानी तो नहीं है, बच्चे यहाँ पे खेलते कूदते हैं, अंदर जाते हैं फिर बाहर आ जाते हैं। ये देखिए ना मैं खाली अंदर से नज़र आ रहा होगा ना आपको, वो सामने रेस्टोरेंट है बाग ये वाला, ये देखें। और ये इस तरफ से भी नज़ारा देखें कि जो फूल है ना वो कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह से। देखें और पार्क कितना नीट एंड क्लीन और ज़बरदस्त है, साफ सुथरा सा। ये देखें अब ये इर्द गिर्द इसका चक्कर लगा रहे हैं, और इसके बाबा इनको कह रहे हैं कि वापस आ दो, ये ध्यान आया नहीं अंदर चलेगी, अंदर पानी नहीं है ना तो बच्चे इसलिए आराम से यहाँ पे खेल कूद लेते हैं। देखिए अब्दुल बासित को चेक करें ज़रा डांस कर रहा है, देखें
टहलेंगे, इधर इधर घूमेंगे, चक्कर लगाएंगे, बच्चे फिर वापस बाहर आ जाएंगे। और आप लोग सुनाए, रमज़ान में आप लोगों ने शॉपिंग वगैरह कर ली है, तैयारी कर ली है ईद की कि नहीं की, और आप लोगों का जो है रूटीन किस तरह क्या है, कि आप लोग कैसे अपना टाइम स्पेंड करते हैं संडे वाले दिन, वीकेंड पे बाहर जाते हैं घूमते फिरते हैं, या सिर्फ घर पे ही रह के अपना टाइम स्पेंड वगैरह करते हैं आप लोग, बाहर जाया करें। ज़िंदगी इतनी बिजी हो गई है बहुत ज़्यादा कि अपने लिए टाइम ही नहीं रहा, मतलब कि खुद के लिए टाइम नहीं होता इंसान के लिए, बस ये काम कर लें, वो काम कर लें, ये कर लें, वो कर लें, काम तो ख़त्म होते ही नहीं है। तो खुद के लिए टाइम निकालें, बच्चों के लिए निकालें, फैमिली के लिए टाइम निकालें, बाहर निकला करें, बच्चों को थोड़ा इंसान रिफ्रेश हो जाता है बाहर निकल कर, थोड़ा मेंटली भी और फिजिकली भी। ये देखें कितने खूबसूरत फूल हैं रेड कलर के, और ग्रीन के साथ कम्बिनेशन रेड का जैकेट है, अल्लाह ताला की कुदरत की मिसालें जो हैं, निशानियाँ जो हैं वो नज़र आती हैं हमें, और हम लोग नेचर से इतना दूर हो गए हैं कि बस अपनी उसमें लगे हुए। अच्छा जी, वापसी का टाइम हो गया, हम वापस जा रहे हैं, तो बच्चों को इकट्ठा कर लिया जी। ये देखें वापसी भी जाते हुए आपको पार्क का व्यू दिखाते जाते हैं साथ साथ, आप लोग देखें और इंजॉय करें, और अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ भी देखें साथ, इतनी खूबसूरत हैं। अभी तो छोटी सी है, अभी तो आपको पता, अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, इतने खूबसूरत इंसान बनाए हैं। तो चलते हैं घर वापस जाके, फिर हम लोगों ने आपको पता अफ्तारी का टाइम होने वाला है, 4 बज गए हैं, तो फिर घर जाके कुकिंग वगैरह भी करनी है, खाना छाना भी पकाना है, फिर अफ्तारी भी होनी है। तो बच्चे देखिए काफ़ी दूर वो गेट तक चले गए हैं, अभी हम पीछे ही हैं। पार्क वैसे उन्होंने काफ़ी ख्याल रखा है, साफ़ है, नीट एंड क्लीन है, इतना ज़्यादा गंद वगैरह नहीं है, यहाँ पे रश भी नहीं है और सुकून है और नीट है, अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा जगह हो तो वहाँ पे बैठना भी अच्छा लगता है। अच्छा जी, गेट के बाहर आ गए हैं जी, हम बाहर आ रहे हैं अब, तो बच्चों ने जो है बाइक पर बैठेंगे, ये बाइक खड़ी है हमारी, बच्चों को बैठाएँगे। अच्छा जी, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।